इनोवेटिव चीज़ें तो हमने की, SIFC बना दी, और आज सऊदी एक वफ्द इधर आया हुआ है, SIFC में उन्होंने मीटिंग की, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा नई अप्रोच से हम इम्प्रेस हुए हैं। तो क्या ये जो माहौल देखने में आए हैं सरमायाकारी के लिए, वाकई ये आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, कहीं से भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट आए तो वो एक खुशाइन बात होती है, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान की इकोनॉमी के पहिया को चलाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। अब सवाल ये कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है। दो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर सऊदी ज्यादा फोकस है, एक तो है रेकुडिक के शेयर्स खरीदना, और दूसरा है प्रॉबेबली ग्वादर में जो पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने की। अगर तो सिर्फ शेयर्स खरीदने से तो पाकिस्तान में कोई नया पैसा नहीं आएगा, वो सिर्फ एक जगह से निकाल के वो दूसरी जगह चला जाएगा और खर्च भी हो जाएगा, वो आपकी इकोनॉमी को कोई इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं देगा। लेकिन नए प्लांट्स अगर लगते हैं, खासकर इतना बड़ा जो अगर पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उससे फ्यूचर में हमारी एक्सपोर्ट्स वगैरह पे भी पॉजिटिव असर होगा, तो वो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट दे सकता है। लेकिन एक प्लांट नहीं, फिर पूरी इकोनॉमी में सरमायाकारी की जरूरत होगी।